तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप कि मस्त होंगे। तो फ्रेंड, जो कि आज फिर से अपने अहमदपुर असना में जो है कि एक न्यू शादी है, और यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं कि यहाँ पर बारात आ गई है, और सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किसके घर शादी है और कहाँ शादी है और कहाँ से बारात आई हुई है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए फटाक से सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया करता हूँ अपने चैनल पर, और काफ़ी ज़बरदस्त आज की वीडियो होने वाली है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड, जो कि हम यहाँ से बता देते हैं आपको किसके घर पे शादी है। यहाँ पर जो कि शादी हमारे मंसूर भाई की लड़की की शादी है, उनकी छोटी लड़की थी जो उनकी शादी है, और ये बारात आई हुई है मम्मू सारा मऊ से। तो यहाँ पर जो कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाराती ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 35 से 40 बाराती सभी लोग जो कि आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कि फ्रेंड, मैं सब कुछ इस वीडियो में सारा बरातियों का जो है कि सब कुछ वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है कि दूल्हे का इंतज़ाम किया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जो कि निकाह होगा। तो सारी वीडियो मैं स्टार्ट से लेके एंड तक सारी वीडियो में बनाने वाला हूँ। और यहाँ पर दूल्हे भाई साहब जो कि निकल कर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरा मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, और पूरे निकाह तक की वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ। और दो पार्ट होगी, दो से तीन पार्ट होगी इस वीडियो की और इस शादी की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, काफ़ी ज़बरदस्त जो कि सिस्टम लगाया गया है खाने पीने का, और बारातियों का इंतज़ाम कर जो कि किया गया है। तो सब कुछ इस वीडियो हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक आपने किया नहीं लाइक तो कर दीजिए फटाफट लाइक, और किया नहीं अभी तक सब्सक्राइब तो वो भी कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आया करता हूं, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर दिया करता हूं, ताकि जो है कि आपको वीडियो पसंद आए। तो फटाफट जो है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और क्योंकि अपने अहमदपुर असना घोसी मऊ ज़िले की सारी वीडियो अपलोड किया करता हूँ अपने चैनल पर, और कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे जो है कि वीडियो अपलोड करूँ। और इस वीडियो में अगर और सारी वीडियो हमने अपलोड किया, अगर उस वीडियो में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए जो है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, और कोशिश करता हूं कि जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि वीडियो बनाऊं। तो चलिए, जो कि हम यहां पर आ चुके हैं जहां पर शादी है, वहां उनके दरवाजे पे हम पहुंच चुके हैं, और यहां से सब कुछ बताने वाले इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, जो है कि हम चल कर दरवाजे पर देखने वाले हैं कि मीठे का इंतज़ाम किया गया है कि नहीं किया गया है। तो चलिए, यहाँ पर इंतज़ाम का सिस्टम लगाया गया है, तो अभी लगता है कि इंतज़ाम का सिस्टम नहीं हुआ है, और बेड सजाया जा रहा है और यहाँ पर लगाया जा चुका है। मैं वीडियो कट करके दिखा रहा हूँ आपको, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि सब कुछ सजाया गया है यहाँ पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाले आपको। तो चलिए फ्रेंड, जो है कि हम यहाँ पर जो है कि बारातियों का कुछ टाइम तक इंतज़ार कर लेते हैं, जब तक नहीं आ जाते हैं। आने के बाद जो कि सब कुछ इस शादी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं, और पानी से लेकर खाने तक जो है कि सब कुछ रिव्यू करने वाले हैं, सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक नहीं किया आपने लाइक तो कर दीजिए लाइक, और चैनल को अभी तक जो है कि आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो वो भी कर दीजिए फटाक से सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लेकर आया करता हूँ अपने चैनल पे, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया करता हूँ। और फ्रेंड, बता दो कि हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडिंग की कोई टाइम नहीं है, एक कभी एक भी वीडियो अपलोड हो सकती है, कभी 10 भी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है और कोई टाइमिंग फिक्स नहीं कि इस टाइम में वीडियो अपलोड होगी। बस आप लोग इसी तरह से जो है कि हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हम भी जो है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी जो है आपके लिए जो कुछ अच्छा वीडियो लेके आने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लग कर दीजिएगा लाइक, और कर दीजिएगा साथ में सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए
तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की वीडियो बनी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड जो है कि यहाँ पर टेबल को सजाया गया है और बाराती लोग जो कि आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त आज की होने वाली है और काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। काफ़ी एक दूसरे से जो है कि लोग सपोर्ट में लगे हुए हैं और सारे टेबल पर तैनात खड़े हुए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। और अच्छे से जो है कि इन बारातियों की खातिर बातें होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक और चैनल को किया नहीं अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो कि वो सबसे पहले जो है कि मिल सकेगी आपको। अगर नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तो वीडियो नहीं मिलेगी, बाद में खोजते रह जाएंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कर दीजिए वीडियो को फटाफट लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पूरा फुल ही देख कर जाइएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली आज की। यार 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 और ये हमारे फैज भाई का घर है और इनका ये पर्सनल रूम है, वो बैठका जैसे मेहमानों का मतलब यहाँ पर इंतज़ाम रहता है। और ये हमारे फैज भाई देख सकते हैं और ये हमारे चैनल को काफ़ी लाइक करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। तो अभी फ़िलहाल में ये जो कि आए हुए हैं अपने आमदपुर रसना में, इनका घर ही है। तो अभी कुछ टाइम के लिए जो कि आए हुए फिर जाएंगे, तो फिर वहाँ से जो है कि हमारे चैनल को बराबर लाइक करते हैं। क्या बोलते हैं फैज भाई? अच्छा बढ़िया है। हाँ बढ़िया चैनल है। तो ये इनका हॉल है, अब देख सकते हैं, और बगल में शादी है। और यहाँ पर हमारे सोनू भाई भी है, बैठे हुए हैं, और हमारे आदिल भाई भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कि शादी है, दावत भी दिया गया है। तो आदिल भाई क्या कहना चाहेंगे इस शादी के बारे में? शादी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, शादी हो रही है, अच्छी बात है। हाँ हमारे मंसूर जब आए हैं, लड़की शादी है, भाई है मौलाना साहब, मोहम्मद ललन साहब, मौलाना साहब है मोहम्मद ललन साहब, उनके साथ ज्यादा आए हैं हाफिज। अच्छा साहिद साहब। और आप गए हुए थे नेपाल जो है कि घूमने के लिए टूर पे, तो काफ़ी वहाँ पे जो कि कितने दिन रहे, एक दिन दो दिन कितने दिन रहे? और काफ़ी हम लोग रहे दो दिन, आप काफ़ी मज़े लिए वापस रहे थे? मज़ा वजा नहीं लिए हैं, इसलिए है कि वहाँ के लोगों को वहाँ का तौर तरीका, साफ सफाई, अच्छा जो वहाँ का शहर था, जो वहाँ की पुलिस है, टोटल देशभ रहती है, और वहाँ पर साफ सफाई देख के बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी सारे पहाड़ और बिजली बहुत ज़्यादा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, यही सारी चीज़ देखने के लिए हम लोग गए हुए थे। अब
देखे तकरीबन रात को 1:30 बजे हम लोग वापस आए। अच्छा लगा और अच्छा भी लगा, काफ़ी अच्छा का वहाँ सीन है। पोखरा हम लोग गए थे। अच्छा, और पोखरा गए थे वहाँ के लोगों का तौर तरीका, साफ सफाई का जो अंदाज था वो बहुत काफ़ी अच्छा लगा। यही चाहते कि हमारे भी गाँव में हमारे ऐसा कुछ हो, और कोई प्लेस होना चाहिए अपने अहमदपुर रतना में, बहुत पीछे चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी प्रधान जो है हमारे बहुत क्लोज हैं, और अब तक तो एक साल से यही हो रहा था कि कोरोना चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, कुछ काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में महीने दो महीने के अंदर हम लोग गाँव की साफ सफाई और ये ग्रीनरी पे, यहाँ पेड़ नहीं पेड़ लगाने का काम किया जाएगा, सारा काम अच्छा होगा। यही सीख के नेपाल से हम आए और कोई नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात।